से हमारा जो है ये वायर आउट फूट गया है और यही वायर चल के हमारा इस मोटर में आया हुआ है, जो कि आप आवाज़ सुन सकते हैं। इससे अभी जो है हमारा ये पता चल जाता है कि ये मोटर हमारा चल गया है और यही हमारा चल के इन दोनों बॉयलर में, जो गीजर बॉयलर है, इस टैंक में हमारा पानी जाता है। तो इस टाइमर का हमारा यही काम होता है, जो अभी जैसे आपका दिखा रहा है लोड ऑन, तो यहाँ पे पंप ऑन का इंडिकेटर चल रही है। जैसे ही ये 3 मिनट 2 मिनट 48 सेकंड चल जाएगा, उसके बाद में ये फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। पंप ऑन का जो है सिग्नल यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आउटपुट सप्लाई देना बंद कर देगा। तो यही प्रोसेस होता है। और जैसे ही इसमें 10 मिनट 12 मिनट का टाइमर जो है सेट रहता है, उतने टाइम जो है ये ऑफ रहेगा मोटर। और जैसे ही हमारा टाइमर फिर 10 मिनट 12 मिनट ख़त्म होगा, उसके बाद फिर हमारा ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इससे साफ पता चलता है जो ये टाइमर हमारा अब ओके हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने इसको कम्प्लीटली जो है बॉडी में सेट कर दिया है और एक छोटा सा फॉल्ट होने की वजह से ये टाइमर हमारा मीटर जो है काम नहीं कर रहा था। अभी मैं एक चीज़ और आपको नोटिस करवाता हूँ, जो आपका ये 135-134 चल रहा है, ये जैसे ही 0 आएगा तो उसके बाद में ये लोड ऑफ हो जाएगा लिखा हुआ। अभी लोड ऑन लिखा हुआ आ रहा है, लोड ऑफ लिखा आ जाएगा और यहाँ से ये इंडिकेटर बंद हो जाएगी, जो अभी हरी कलर की इंडिकेटर दे रही है पंप ऑन का। अगर इस मीटर में कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पे फॉल्ट का जो है लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अगर आपका मोटर ख़राब हो जाएगा तो भी, अगर इस मीटर में कोई दिक्कत होगा तो भी। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, इसके अंदर सप्लाई ही नहीं जा रही थी, और सप्लाई जा भी रही थी तो ये ऑन नहीं हो रहा था, डेड प्रॉब्लम था। तो अभी मैंने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा इंतज़ार और कर लूँ, जो हमारा इसको जैसे ही मैं देखता हूँ ये ऑफ मोड पे आता है तो हमारा मोटर बंद होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी हमारा मोटर चल रहा है, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो अभी हमारा कितना सेकंड रह गया है इसमें, 15 सेकंड रह गया है। तो 15 सेकंड हम मोटर के पास चलते हैं और वहीं हम दिखाते हैं कि हमारा मोटर बंद होता है कि नहीं 15 सेकंड के बाद। अगर बंद होगा तो ये जो साउंड आ रही है ये बंद हो गई। तो आपने देख लिया कि 15 सेकंड के बाद में ये मोटर हमारा बंद हो गया। और अब ये दोबारा जो चलेगा दोस्तों, ये चलने के लिए इसको फिर से 11 मिनट 12 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी। ये यानी कि 12 मिनट पे इसका टाइमर ऑन हो रखा है और यहाँ आप देख सकते हैं पंप ऑन का जो इंडिकेटर था वो भी बंद हो गया। अब ये 12 मिनट तक जो हमारा पानी इस टैंक से खाली होगा, उतना पानी का एडजस्टमेंट फिर मोटर करेगा। ये 12 मिनट के बाद 11, 28, 27 चल रहा है, इस हिसाब से जो है फिर 0 आएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर हमारा पंप ऑन होगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मेरे पास में एक नोल्टा टाइमर है जिसमें कि लाइट नहीं आ रही है, ये डेड हो रखा है। अब कारण क्या है ये मुझे अभी देखना पड़ेगा। तो आई होप कि वीडियो कार्यरत बनने वाला है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है इनपुट। अभी देखिए मैं एसी रेंज पे अभी मीटर को सेट कर दिया है और सबसे पहले हमारा काम है कि यहाँ फेस और न्यूट्रल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको चेक करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेस और न्यूट्रल हमारा आ रहा है, क्योंकि मैं 1000 वोल्ट के रेंज पे मीटर को लगा रखा हूँ। एक बार मैं 500 के रेंज पे लगा देता हूँ और ये आप
देख सकते हैं अभी हमारा 500 वोल्ट के रेंज पे है, तो यहाँ पे हमारा अभी 250 वोल्ट मीटर पे बता रहा है, ठीक है। यानी कि इनपुट सप्लाई हमारा इसका ठीक है। तो इनपुट सप्लाई जब ठीक है तो मीटर ऑन क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें इसको बॉक्स को खोलना पड़ेगा, मीटर को निकालना पड़ेगा कैबिनेट के अंदर से और इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने इस कैबिनेट के अंदर से इसको निकाल लिया है, बॉक्स के अंदर से ये चार पैंच खोल करके, और यहाँ पे ये एक, यहाँ पे एक दो तीन चार, चार पैंच और लगा हुआ है। मैं इसको भी खोलता हूँ, देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया है। और इस बॉक्स के अंदर में हमें दो किट मिला है, एक हमारा ये पीसीबी है जो सप्लाई है, और ये पीसीबी है जो हमारा सिस्टम को चलाता है, और सिस्टम को चलाने वाला पीसीबी यानी मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड और ये हमारा सप्लाई। तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो ये ऑन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों जब हमने इसको ओपन कर लिया है तो इसमें मुझे एक चीज़ देखने को मिला है कि यहाँ पे हमारा एक 20-32 का सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का। मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये 3 वोल्ट का सेल आपका ख़राब हो जाएगा, बैटरी ख़राब हो जाएगा, तो भी आपके इस डिजिटल पैनल पे जो है लाइट नहीं आएगी। तो मैं एक बार इसको खोल के निकाल के और उसके बाद देखता हूँ कि जो हमारा ये सेल है ये कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है, और इसमें क्योंकि कोई सप्लाई होता नहीं है, डीसी सप्लाई होता है, तो इसके लिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा यहाँ से सप्लाई दिया हुआ है, ये ओपन करके मैं इस सेल को चेक करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है, अगर ये हमारा सेल ख़राब होगा तो भी हमारा ये काम नहीं करेगा। ये सतह होता है पॉजिटिव और ये सतह बीच वाला होता है निगेटिव, तो इसको हमें कुछ इस तरह से चेक करना है। डीसी 10 वोल्ट के रेंज पे मीटर को लगा दिया मैंने, तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसमें सप्लाई तो ठीक है, ये हमारा 3 वोल्ट प्लस दिखा रहा है, तो ये बैटरी हमारा ठीक है। फिर तो हमारा और भी कहीं से हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो मैं एक बार ये सप्लाई यहाँ से निकाल के और फिर मैं पहले इसका पीसीबी में चेक करता हूँ इसमें, क्योंकि हमारा रेक्टिफायर वगैरह जो लगा हुआ है कहीं ना कहीं हो सकता है ये रेक्टिफायर वगैरह ख़राब हो या फिर रिले ख़राब हो, मैं उसको पहले चेक करता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा सप्लाई का पीसीबी है इसमें किस तरह से कार्बन लगा हुआ है, और ये हमारा हुआ है बरसात के वजह से। हालांकि ये जो जगह है इसमें कहीं पानी वानी आने की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है, जो हमारा किट में मॉइस्चराइज़र लगने के कारण ये काम करना बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हमें इसको जो है पेट्रोल से या फिर थिनर से साफ़ करना होगा, और उसके बाद में हर एक सप्लाई को देखना पड़ेगा, प्रिंट को देखना पड़ेगा, और फिर देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसको सभी को जो है अच्छी तरह से सोल्डिंग वगैरह करना होगा। तो मैं करता हूँ और उसके बाद में मैं दिखाता हूँ जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ये हमारा इस पीसीबी में तो यहाँ पे जो है कार्बन खा ही रखा था, तो इसको मैंने पेट्रोल से साफ़ कर दिया था। साथ ही साथ में मैंने जब ये पीसीबी को निकाला है, ओपन किया, उसके बाद में देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के वजह से जो है ये मॉइस्चराइज़ लग गया है और कार्बन खा रखा है,
और यही कार्बन के वजह से इस टाइप का एक 1K का रेजिस्टेंस था जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ था। तो यहाँ ज़्यादा मॉइस्चराइज होने के वजह से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हमारा टूट गया था, दोनों सिरे इसका टूट गया था। तो मैंने दो वायर से जो है इसको, ये 1K का रेजिस्टेंस है 1K ohms, और इसको मैंने जो है अभी इन दोनों सिरे पे लगा दिया है। और मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, ये मैंने सप्लाई दे दिया, मैंने सप्लाई दे दिया और मेरा डिजिट जो है इसमें दिख रहा है। और आई होप कि ये मुझे लगता है अब काम करेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर उसी जगह पे जहाँ पे हमारा ये सेट हो रखा था। तो अभी हमने क्या किया है, जो ये जो रेजिस्टेंस है ये कहीं हमारा इस PCB में टच ना कर जाए, इसके वजह से हम इसमें टेप लगा दिए हैं। और बाकी को हम इसको पहले पैक कर देते हैं और उसके बाद में वायरिंग करके और फिर हम आपको ऑन करके चला करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसको जो है अभी कंप्लीट इनपुट आउटपुट वायर लगा दिया है और पंप ऑन का इंडिकेटर हमारा जल गया है। और ये इसमें टाइमर होता है दोस्तों, जिस हिसाब से हमारा टाइमिंग इसमें सेट है। तो अभी हमारा मोटर चल रही है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।